सो so, हमारा फिफ्थ चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गन्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एंड देयर फंक्शंस सो बेसिकली आपकी जो गवर्नमेंट है वो तीन ऑर्गन्स पे बेस करती है पहला लेजिस्लेचर नंबर टू इज एग्जैक्टिव एंड नंबर थ्री इज जुडिशल तो स्टूडेंट्स एज ए स्टूडेंट ऑफ़ पाकिस्तान स्टडीज़ यू पीपल शुड बी नोइंग के ये जो तीन ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के ये कौन कौन से हैं और इनके क्या क्या फंक्शंस हैं इन इनके ऊपर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आए होती हैं इनकी डोमेन में कौन कौन सी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ uh, हैं वो कौन कौन सी हैं सो लेट स्टार्ट विद लेजिस्लेचर तो लेजिस्लेचर जो है स्टूडेंट्स इट मीनस द लॉ फॉर्मिंग बॉडी ऑफ द स्टेट यानी कि जो लॉ मेकिंग का, का काम करता है दैट इज़ द लेजिस्लेचर और जो पाकिस्तान की फेडरल लेजिसलेचर है उसको पार्लियामेंट कहा जाता है आपको याद होगा हमने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था कि मजलिस शूरा का नाम दिया गया है आपकी पार्लियामेंट को और हमारी पार्लियामेंट जो है दैट इज़ बाय कैमरल इन नेचर ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ बाय का मतलब होता है टू यानी कि टू टाइप की उसके अंदर आपकी पार्लियामेंट में डिवाइडेड है यानी कि एक अपर हाउस होगा और एक लोअर हाउस होगा तो अपर हाउस का क्या नाम है आपकी कंट्री में दैट इज सेनेट एंड लोअर हाउस इज नेशनल असेंबली तो इसका मतलब है बाई कैमरल लेजिसलेचर है और हमारे पास टू हाउसेज हैं दैट इज नेशनल असेंबली एंड सेनेट अच्छा अब होता यह है कि एक बिल जब पास होता है तो वो बिल आपके पार्लियामेंट में पास होते हैं यानी कि पार्लियामेंट में कौन आ गया नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों आ गए और फिर उसका जो फाइनल ड्राफ्ट होता है वो जाता है प्रेसिडेंट के पास लेकिन बिल ऐसी नहीं अप्रूव हो जाता द मेजॉरिटी फ्रॉम बोथ नेशनल असेंबली एंड देन आफ्टरवर्ड्स इट्स अप्रूव्ड बाय दैनट और फिर जब वो फ़ाइनल हो जाता है तो उसके बाद वो जाता है प्रेजिडेंट के पास फॉर द फाइनल अप्रूवल और फाइनल सिग्नेचर्स के लिए लेकिन स्टूडेंट्स जो जब आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बात करते हैं तो आपके प्रेजिडेंट के पास बहुत ज़्यादा राइट्स नहीं हैं उस इन दोनों हाउसेस के अप्रूवल के बाद उसको रिजेक्ट करना वो रिकमेंडेशन दे सकता है आपका प्रेजिडेंट लेकिन इट हैज़ टू be इवेंचुअली अप्रूव्ड अगर वो दोबारा बिल अगर आपकी नेशनल असेंबली और सेनेट से दोबारा अप्रूव हो जाता है तो इवेंचुअली द प्रेजिडेंट अप्रूव्ज इट एज वेल। और जो भी बिल पास होता है उसको कहा जाता है लॉ सो स्टूडेंट्स नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कम्पोजिशन ऑफ फेडरल पार्लियामेंट तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेशनल असम्बली जो है दैट इज़ द लोअर हाउस और uh, जब हम नेशनल असम्बली के बारे में बात करते हैं तो उसके तकरीबन थ्री मेंबर्स टू मेम्बर्स हैं इन टोटल और कोई भी आपके मुल्क का शहरी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ पाकिस्तान का कोई भी शहरी जिसकी उम्र तकरीबन ट्वेंटी फाइव ईयर्स ऑफ एज हो गई है वो एलिजिबल है नेशनल असम्बली की मेम्बरशिप के लिए नेशनल असम्बली का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं cool. उन उनको कहा जाता है स्पीकर यानी कि ओवरऑल जो सेशन को प्रिजाइड करते हैं इज़ कॉल्ड एज द स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली डिप्टी स्पीकर जो है इज़ ऑल्सो इलेक्टेड टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज़ वो जो जब एबसेंस होती है स्पीकर की या आ, स्पीकर हाउस में नहीं मौजूद होते तो डिप्टी स्पीकर जो है उनकी नशस्त ले लेते हैं उनकी जगह ले लेते हैं जब तक स्पीकर नहीं होते तब तक स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि जब भी हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है उसके पास ही इज़ बेसिकली द मोस्ट पावरफुल एंड डिग्निफाइड ऑफिसर इन द रिपब्लिक तो जो है ही इज़ ऑल्सो नोन एज हेड ऑफ़ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी यानी कि आपकी तमाम तर जो मुल्क के मामलात हैं उसके अंदर आपका जो प्राइम uh, मिनिस्टर है वो उसका हेड है और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का वो हेड है उनको ही इज़ ऑल्सो नोन एज द चीफ़ एग्जीकटिव और ही इज़ लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी यानी कि नेशनल असम्बली में जो भी मेजॉरिटी की पार्टी है उनके वो हेड है या उनके भी उनके लीडर हैं प्राइम मिनिस्टर जो है ही इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ नेशनल असम्बली और उन्हीं में से जो लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं जो नेशनल असम्बली के मेंबर्स हैं वही जो है वो वोट करते हैं इलेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को और नेशनल असम्बली के पास फुल कंट्रोल होता है आपकी ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन जो आपके मुल्क में चल रही है उसका सारा का सारा कंट्रोल आपकी नेशनल असम्बली के पास हो स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं सेनेट की सो so, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेनेट इज़ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और ये हाउस जो है ये प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करता है आवाम को नहीं लोगों को नहीं जैसे कि नेशनल असम्बली इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ़ द पीपल जो सेनेट है दैट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोविंसेस तो सारे के सारे जो प्रोविंसेस हैं बेशक बड़े हैं छोटे हैं उनकी तमाम जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेनेट में मौजूद होती है कोई भी रजिस्टर्ड वोटर जो कि तीस साल का होगा वो एलिजिबल है कंटेस्ट कर सकता है सेनेट की सीट के लिए स्टूडेंट्स जो सेनेट है दैट इज़ बेसिकली अ परमानेंट हाउस और ये जो है ये इसको ये कम्प्लीटली जो है इसको कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता जो सेनेटर्स हैं वो इलेक्ट होते हैं छः साल के लिए और कोई भी लॉ ऐसा नहीं पास हो सकता आपके मुल्क में जो कि सेनेट से अप्रूव हो के ना जाए सो इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट